नमस्कार। तो पूरे हिंदुस्तान में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट स्टेट फॉर एजुकेशन, स्पेशली मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए रहा है कर्नाटका। और कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि उस पर साउथ में होते हुए भी उतना प्रभाव नहीं है साउथ का जितना तमिलनाडु और केरल में होता है। वो तो खैर, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में हमेशा बोलता हूँ कि एक नॉर्थ इंडियन और वेस्ट इंडियन के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना तमिलनाडु और केरला में। आंध्रा तेलंगाना इज़ फाइन, अगर आप हैदराबाद में हो, तेलंगाना तो हैदराबाद हो गया, और कर्नाटका मोस्टली इज़ फाइन। बेंगलोर, मैंगलोर तो मैसूर तो सुपर फाइन है, बेलागावी, लेकिन ओवरऑल भी कर्नाटका में उतनी दिक्कत नहीं होती लैंग्वेज और फूड को लेके जितनी बाकी स्टेट्स में होती है। आज मैं आपको काउंसलिंग कैसे चलती है वो नहीं बता रहा, उसका तो अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कर्नाटका की काउंसलिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चलती है, जो उनके हर राउंड में आप कैसे करते हो। ये बहुत ब्रॉड वीडियो है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह की सीटें होती है कर्नाटका में। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कर्नाटका स्टेट के जो कॉलेज हैं जो स्टेट काउंसलिंग के अंदर आते हैं उसमें NRI पेपर चल जाता है गार्जियन का, लेकिन वही कॉलेज की काउंसलिंग जब MCC करती है तो उसमें पेपर चलता है NRI ब्लड रिलेशन वाला। बहुत मजा आएगा आपको समझने में। तो पहले ये समझते हैं, ये ना कर्नाटका एग्जाम अथॉरिटी का जब सीट मैट्रिक्स आता है, ठीक है, आपको वो दिखाता हूँ मैं। ये लास्ट ईयर का है भाई, इस साल चेंज हो सकता है, पर ये देख के आपको बहुत मजा आएगा। तो ये NH1 तो सरकारी कॉलेज की सारी सीटें हैं, और पहले ऊपर संभल लीजिए, देखिए ये ऑल इंडिया कोटा 15% क्योंकि सरकारी कॉलेज में होता है। तो ये लिस्ट है कर्नाटका के लास्ट ईयर के सरकारी कॉलेजों के, ठीक है ना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बिल्कुल गिन के 24 थे, टोटल इनटेक 3,750 कॉलेज का हो गया, जिसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा ये सरकारी कॉलेज जो 620, 630, 650 नंबर लाने वाले हैं अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, और उस हिसाब से 560, 570 बच्चे लाने वाले हैं। और हम जानते हैं ऑल इंडिया कोटा में हर कैटेगरी भी होती है, और 85% जो स्टेट के बच्चों के लिए होती है, राइट। क्योंकि बेंगलोर के अंदर दो ESIE कॉलेज भी हैं, देखिए ESI के अंदर भी सेम चलता है ना, थोड़ा सा ऑल इंडिया कोटा, थोड़ा सी गवर्नमेंट सीटें और बाकी ESI सीट। और ये जो 71 और 68 सीटें हैं ये क्या होती हैं, ESI के हर बच्चे के लिए पूरी इंडिया में, समझते हैं ना। तो ये जो 71 सीटें हैं और ये जो 68 सीटें हैं, ये ESI का कार्ड अगर आपका दिल्ली के रहने वाले हैं, बेंगलोर हरियाणा के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो भी ये सबके लिए बराबर है। पी होती है प्राइवेट सीट, एन होती है NRI सीट, ओ होती है अदर कोटा, तो बहुत भारी होता है, कैसे आता है समझते हैं। अब ये आ गए नॉन मनल्टी मेडिकल कॉलेज, ये एग्जैक्टली गिन के हैं कर्नाटका में 13, जिसमें अगर हम बेंगलोर शहर की बात करें बहुत फेमस BGS ग्लोबल, अम्बेडकर, ईस्ट पॉइंट, ठीक है, फिर देवनगिरी में बहुत शानदार कॉलेज है JJM, बेंगलोर का ही कैंपे गौड़ा हो गया, बागलकोट फेमस कॉलेज है देवनगिरी में, श्री देवी तुमकुर में, देखिए तुमकुर में एक वो भी है श्री सिद्धार्थ था, वो डीम्ड, वो MCC में आता है, ये कर्नाटका स्टेट के थ्रू आता है, ठीक है जी। उसके अलावा ये हो गए कितने, एग्जैक्टली 13 कॉलेज। इन सब कॉलेज में आप देखेंगे ESI कोटा का तो मतलब नहीं है, ऑल इंडिया कोटा क्यों देंगे, 40% सीटें कर्नाटका स्टेट के बच्चों के लिए, जिसकी फीस लाख सवा लाख होती है, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा अभी। प्राइवेट सीटें जिसकी फीस 11 लाख, 15 लाख होती है, जिसके लिए हम फेमस नॉर्थ इंडिया के बच्चे भागते हैं। तो 40% सरकारी, 40% प्राइवेट, 20% होती है NRI सीटें एंड ओ सीटें, 15% और 5%। ये NRI सीट आपको मिल सकती है NRI गार्जियन पेपर पे, और जब NRI उतरे नहीं आते तो बाय डिफॉल्ट कर्नाटका में ये ओ सीट बनती है। एक झलकी दिखाई देता हूँ फीस स्ट्रक्चर, ये आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, तो हम वो पकड़ते हैं जो एक प्राइवेट कॉलेज था, ठीक है ना, जैसे कि BR अंबेडकर कॉलेज था कर्नाटका का, BR अंबेडकर, देखो BR अंबेडकर, ठीक, 150 सीटें टोटल थी, 60 सीटें गवर्नमेंट, 60 सीटें प्राइवेट, 22 NRI, 8 ओ। अब जरा फीस स्ट्रक्चर देखो, अंबेडकर में जो सरकारी सीटें हैं उसकी फीस है सिर्फ 1.5 लाख, पर ये है कर्नाटका डोमिसाइल के बच्चों की, और फिर इसके अंदर दुनिया भर का कोटा होगा जो मैं आपको सीट मैट्रिक्स में दिखाऊंगा। लास्ट ईयर फीस बढ़ गई थी तो अब 11 लाख फीस हो गई है प्राइवेट,
उस साल पहले याद कीजिए 9 लाख थी, फिर 10 लाख हुई, 11 लाख, अब 11 लाख हो गई। अदर और एनआरआई दोनों की फीस तकरीबन बराबर चलती है 45 लाख पर ईयर, कैंपे गौड़ा भी 40 लाख पर ईयर, एक बार वापस सीट मैट्रिक्स पर चलते हैं। ये हो गया नॉन मेनल्टी मेडिकल कॉलेज, अब आएंगे मेनल्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि फेमस कॉलेज वैदेही भी मेनल्टी में गिना जाता है, सेंट जॉन्स तो क्रिश्चियन मेनल्टी हम जानते ही हैं, उसके बाद अलमीन बीजापुर वाला बहुत अच्छा कॉलेज है, फादर मुलर बेंगलोर वाला, एमवीजे बेंगलोर का शानदार कॉलेज, ऑक्सफोर्ड बेंगलोर का, उसके बाद सुभैया इंस्टीट्यूट शिमोगा में जो है, विदेही हम सब भागते हैं। तो अब इसमें देखिए विदेही में क्या होगा, 250 में से सेम 168 बनी, 55% इसमें बढ़ गई, बल्कि गवर्नमेंट सीटें कम फीस की खाली 25% है, क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज है ना, तो ये अपनी चीज़ें डिसाइड कर सकता है, और प्राइवेट इसने कर दिया 55%, और सेम एनआरआई है 15 और ओ है 5। अब इसी विदेही का फीस स्ट्रक्चर देखें, तो इसी विदेही का जब हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, एक सेकंड बस, हाँ वेदेही सप्तागिरी भी बहुत फेमस है बेंगलोर का, और फिर आप ना बहुत अच्छी चीज समझेंगे कि ये यूनिवर्सिटी और डीम्ड और प्राइवेट में क्या फर्क है, कर्नाटका में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। विदेही ठीक है, सेम 1,41,000 रुपये गवर्नमेंट सीट जो थी, 11 लाख प्राइवेट, और 40-40 लाख एनआरआई और ओ जो ये था, क्लियर हो गया। तो ये सारे कॉलेज हो गए जो कि काइंड ऑफ मेनल्टी आते हैं, और टोटल मिला के 59 तो सिर्फ ये कॉलेज हो गए। अब देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और फर्क देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो ये भी यूनिवर्सिटीज है राइट, एम एस रामिया भी काइंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एस डी एम धारवाड़ भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, सप्तागिरी ही भी अपनी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री दे रही है, ख्वाजा बंदे नवाज भी अपनी डिग्री दे रही है, उन सबकी फीस आपको अब ज्यादा मिलेगी, इनमें से किसी में 11 लाख वाली फीस है ही नहीं। जी हाँ, तो अब इसको देखें, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं सप्तागिरी, ठीक, तो सप्तागिरी में आपको 11 लाख वाली फीस मिलेगी ही नहीं। सप्तागिरी में देखिए क्या हुआ, सरकारी सीट तो देनी पड़ेगी 1.5 लाख में, लेकिन जो पी सीट थी जो कि वैसे 11 लाख चल रही थी, वो यहाँ उन्होंने कर दी 22 लाख, और बाकी 40-40 लाख ऐसे ही रमैया ने करा, और जितने भी 6-7 कॉलेज, डॉक्टर चंद्रम्मा, दयानंद सागर बहुत शानदार कॉलेज, 20 लाख, 35-35, क्योंकि दयानंद चंद्रम्मा भी आ रहा है किसमें, यूनिवर्सिटी में। तो ये वो कॉलेज है जो एक तरह से, तो मैं समझाता हूँ ना, कर्नाटका स्टेट को रिपोर्ट करते हैं इसमें, ऑलने कोटा का तो मतलब नहीं, सरकारी गवर्नमेंट सीटें थी 40%, प्राइवेट एनआरआई और ओ कोटा। अब ये आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज, दोनों डीम्ड है, दोनों अपनी डिग्री देती हैं, क्योंकि मैंने लोग रहते हैं सर डीम्ड यूनिवर्सिटी क्वालिटी अच्छी होती है, तो भाई ये भी डीम्ड है, पर क्यों इसने अपने आपको प्राइवेट लिखा है, ये एक तरह से कर्नाटका स्टेट के अंदर आ रहा है, जिसकी काउंसलिंग KEA कर रहे हैं, जो हमें सारा देख रहे हैं, जिसका फॉर्म अभी निकला हुआ था लास्ट मंथ, 2 बार एक्सटेंशन भी मिला, और शायद एक बार दोबारा खुलेगा। ये जितने कॉलेज हैं इन सब की काउंसलिंग कौन करते हैं, कर्नाटका स्टेट, अदर देन ऑल इंडिया कोटा 15% जो कि हम एमसीसी के थ्रू लेंगे। बट यही जो ये कॉलेज आ गए कर्नाटका के 12, इसकी काउंसलिंग एमसीसी करता है, तो इसमें हमेशा आपको क्या मिलेगी, इसमें कहीं आपको ओ सीट नहीं मिलेगी, इसमें का डीम्ड कोटा है, और डीम्ड कोटा में हम जानते हैं 15% एनआरए सीटें होती हैं, बहुत डिफरेंट फीस होती है, लेकिन उसमें ब्लड रिलेशन चाहिए होता है, और इनमें से कुछ जगह गवर्नमेंट सीट भी है, जैसे कि बेलागावी हो गया, जेएसएस मैसूर हो गया, कस्तूरबा मैंगलोर में है, लेकिन कस्तूरबा मणिपाल में नहीं है। और याद कीजिए जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जो कस्तूरबा में फेमस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो जो बच्चे गवर्नमेंट सीट के थ्रू आ रहे हैं उनको वो स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं थी, याद आ गया। तो देखिए गवर्नमेंट सीट्स भी हैं 25% जैसा मैंने कहा, टोटल 188, और ये जो कुछ हैं ये सब एमसीसी काउंसलिंग करता है मोस्टली, और एमसीसी काउंसलिंग के अलावा जो ये गवर्नमेंट सीटें हैं थोड़ी सी, इसकी काउंसलिंग के लिए, इसकी सीटों के लिए आप कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसका फीस स्ट्रक्चर भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे KS हेगड़े मेडिकल मैंगलोर,
तो जो गवर्नमेंट सीट के थ्रू आप जाओगे उसकी फीस आपको मिलेगी 1.5 लाख रुपए में। सिमिलरली कस्तूरबा मैंगलोर 1.5 लाख, दैट मीन्स कौन सी सीटें, ये वाली, ये जो 12 सीटें हैं अभी हमने कौन जी वो देख के एस सेगड़े देखा था ना, के एस सेगड़ा की 37 सीटें, तो के एस सेगड़े में भी 37 सीटें किस फीस पे मिलेंगी आपको, 1.5 लाख रुपए में। पर ये फीस किसके लिए, जो कर्नाटका डोमिसाइल के बच्चे हैं। और ये सीटें कैसे मिलती हैं, केईए के थ्रू, क्लियर हो रहा है। तो देखिए यूनिवर्सिटी ये भी डीम्ड है और ये भी डीम्ड है, बट इसकी काउंसलिंग एमसीसी करता है, इसकी काउंसलिंग केईए करता है, बट इन्हीं काउंसलिंग के अंदर ये जो ये सीटें हैं इसकी सीट आपको मिलेगी केईए का फॉर्म भर के, अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं। ये हो गया कर्नाटका। जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको ये फीस मिलती है 32 32 लाख, 25 25 लाख, सुभैया शिमोगा में है। और अब देखिए 40 लाख × 40 लाख अगर हम 4.5 करेंगे, हॉस्टल मिला के 2 करोड़ का पैकेज बन जाता है, राइट। 2 करोड़ कोई नहीं देता, तो कर्नाटका में नेगोशिएशन चलती हैं। जनरली मैं आपको बताऊं तो वैदेही की सीट आपको 1.80 के बदले 1.50 की मिल जाएगी, एमवीजे की सीट, या और हम थोड़ा नीचे देखें सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, वैसे यहाँ देखना ज़्यादा आसान था, तो आप मान के चलिए कि फीस स्ट्रक्चर से पाइड आपको डिस्काउंट मिलता है। बट कर्नाटका के कॉलेज क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ, एनआरआई और ओ सीट के लिए, अगर आप जेनुअन एनआरआई के ले पा रहे हैं विद ऑल एनआरआई पेपर्स, फिर भी वो कोशिश करेंगे कि वो जो बल्क है ना, जैसे कि जैसे ये फीस है 11 लाख की, ठीक, एनआरआई की बनती है 45 लाख लिखा हुआ है, लेट से आपका पैकेज डिसाइड हुआ 1.4 करोड़ का, तो 11 11 लाख तो ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में लेंगे नंबर एक में, क्योंकि ये फीस है। पहले साल भी आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी ऑनलाइन, क्योंकि वो कर्नाटका की केईए को आप जमा कराते हो, और जो बाकी बैलेंस बचा वो पहले साल में ही कैश लिया जाता है जो कि कॉलेज में जाता है। तो ये रूल चलता है कर्नाटका स्टेट में। अब आप ये फीस स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, इस फीस स्ट्रक्चर की वजह से आपको सीट मिल जाती है। बट कर्नाटका में प्रॉब्लम वही है कि राउंड 1 और 2 में ड्यूरिंग द काउंसलिंग जिन लोगों ने सिर्फ 2.5 हज़ार का फॉर्म भरा है, जो आपने अभी देखा होगा, वो भी चॉइस फिलिंग में ये वाली सीटें भी भर देते हैं और सीटों को अलॉट करा के ज्वाइन नहीं करते। तो जो आपको एक्चुअल अलॉटमेंट मिलेगी वो मॉपअप राउंड में या थर्ड राउंड में मिलेगी, चाहे अभी तक आप बुकिंग कर चुके हो। और कर्नाटका की बुकिंग अब बिल्कुल फुल फ्लैज ओपन हो चुकी है, क्योंकि ये जो महंगी सीटें हैं यही है जो कि आपको मिलती है। डायरेक्टली आप कॉलेज जाना चाहें बहुत अच्छी बात है, पर जैसा मैंने कहा इट इज़ हाईली नेगोशिएटेड सीट्स, तो उनके जो कुछ रिलायबल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू ही ये नेगोशिएशंस की जाती हैं सभी कॉलेजेस में। और फिर से मैं कहता हूँ, अगर आपके 400 450 500 नंबर आने वाले हैं, आपको इतनी महंगी सीट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको नॉर्थ से मैं स्टार्ट करूँ, आपको बहुत आराम से बस 450 नंबर पे तो आपको जेलन बेलागवी वगैरह ही मिल जाएगा ना, नॉर्मल जो सीट है 90 लाख का पैकेज हो। तो ये भी मैं कह दूँ, ये सब सीटें आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप 250 से 300 के बीच में फॉल कर रहे हैं, लेट्स से 320 तक, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रियली गुड कॉलेज एंड बजट इज़ नॉट द इशू। एक चीज़ और बता दूँ, जो कहता हूँ मेरी आदत है कैमरा बताने की, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें काफ़ी कैश जाता है फर्स्ट ईयर में, कई लोग मेरे पास भी आते हैं, लेट्स से नंबर 350 हैं आपके, 380 हैं, आपको एक ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जिसका टोटल पैकेज 1.2 करोड़ है, जिसमें आपको हर साल हॉस्टल मिला के 26 लाख रुपए देने हैं, बट सब जैसे कहते हैं नंबर एक में देने हैं, चेक से देने हैं। उसके मुकाबले हिंदुस्तान है जी, हर तरह के लोग हैं, कई लोग कहते हैं सर पक्के के पैसे नहीं कच्चे के देना चाहते हैं, तो जो कच्चे के पैसे देना चाहते हैं उसके लिए बेंगलोर बहुत शानदार, कर्नाटका बहुत शानदार ऑप्शन होती है, क्योंकि जो पूरा आपका विद हॉस्टल 1.25 का या 1.5 का पैकेज बनेगा, इसमें आपको आप आराम से 60 70 लाख रुपए कैश भी दे सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। और देखिए जो मैंने आपको विदेही का पैकेज बताया, इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन कर्नाटका, लेकिन वही ऑक्सफोर्ड हो गया, आकाश हो गया, जो इस तरह के कॉलेज हैं उसमें आपका जो टोटल पैकेज बनता है वो 1.2 1.3 तक भी बन जाता है। जैसे आकाश जो बेंगलोर में है, फिर जैसा मैंने कहा एजे है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है, अलमीन मुस्लिम माइनॉरिटी आता है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी आता है, फादर मुलर, ऑक्सफोर्ड है जो बेंगलोर में है, इसका भी पैकेज आपका 1.10 1.15 में बन जाता है। तो जैसा भी आप चाहें हमसे संपर्क कीजिए,
और आप जानते ही हैं कि एनआरआई मैनेजमेंट ये सीटें कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी फीस रहती है 1.5 लाख रुपीज़। हमसे बात करने के लिए आप जानते ही हैं 2,500, फ़ोन पे बात करने के लिए 5,000 रुपये, जूम कॉल या मिलने के लिए, और फिर हम आपको कॉलेज से टच में ला देंगे। और जो भी फिर जो डील है वो आप मतलब जो भी पेमेंट है वो आप कॉलेज में करते हैं, ऑफ कोर्स हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारी जिम्मेवारी रहेगी, उसी चीज़ के हम आपसे चार्जेस लेते हैं। ओके, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपके 450+ आ रहे हैं, बिल्कुल आपको ये एनआरआई और ओ कोटा की सीट देने देखने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, 450 आ रहे हैं और कच्चे के पैसे देना चाहते हैं तो बात अलग है, नहीं तो अगर 250 से 350 या 200 से 300 या 150 से, मैं कहूँगा 300 वाले, बजट इज़ नो इशू, अच्छा कॉलेज चाहते हैं, कर्नाटका इज़ वेरी फेमस फॉर देयर क्वालिटी एजुकेशन एंड नॉट मच प्रॉब्लम अबाउट फूड एंड लैंग्वेज जितनी हमको तमिलनाडु केरल में होती है, तो हमसे संपर्क कीजिए। नंबर हमारा जानते ही हैं आप, 9643362320। टेक केयर, बाय बाय।